और मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम हुआ, पेट दर्द हुआ और पेट दर्द होने के बाद थोड़ा थोड़ा बुखार आया। पेट दर्द होने के बाद उल्टियाँ आई, उल्टियाँ आने के बाद हमको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर ने दवाई दिए, फिर उसने लंबा समय तक इलाज चले। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में पेट का क्रोनोस्कोपी करवाए। फिर क्रोनोस्कोपी करवाने से हमको ये डायग्नोसिस करवाए। डायग्नोसिस करवाने के बाद हमको पता चला हमारा बेटा मास्टर गगन कुमार जांगड़े को कि कैंसर है करके डायग्नोसिस से ही पता चला। उसके बाद 4 महीने हम लोग वहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। जब ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारा 4 महीने में कुछ इम्प्रूव तो नहीं हुआ, मतलब तो हम लोग सुने कि बालको मेडिकल सेंटर में ट्रीटमेंट होता है कैंसर का करके। तो हमने डायरेक्ट हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज करवा के बालको मेडिकल सेंटर में आ गए। हम डॉक्टर द्वेंदु सर से मिले, तो डॉक्टर द्वेंदु सर ने हमको सजेस्ट दिया ठीक हो जाएगा। हमने इलाज करवाते करवाते हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे इलाज, और डॉक्टर द्वेंदु सर ने हमको हिम्मत भी दिया ठीक हो जाएगा करके। और ये बीच में क्यों चलते चलते कई कॉम्प्लिकेशन आया, फिर भी हम लोग हिम्मत रखे। हमको हिम्मत देने के लिए डॉक्टर नीलेश जय सर, डॉक्टर रुचि में इन लोग हमको हिम्मत दिए। और 4 महीने में हमारा बेटा मास्टर गगन एकदम इम्प्रूव हो गया अभी, और हमारा बेटा अच्छा है। और हमको डॉक्टर ये सजेस्ट दिया कि अच्छे से साफ सफाई रखना है और अच्छे से खाना पीना खिलाना है। और तब तो सजेस्ट डॉक्टर ने हमको सजेस्ट दिया, उसी हिसाब से हमने काम भी किया अच्छा से। बच्चे को कहीं बाहर निकलने से मना किया, कहीं आने जाने से मना किया, घर में अच्छे से यहाँ डिस्चार्ज बना हो जाने के बाद घर में अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से उसको विटामिन दिया, और फिर जा करके हमारा बेटा एकदम बढ़िया ठीक हो गया। इसीलिए मैं डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे मरीज जो आए ऐसी हमेशा हमारे तरह मुस्कुराते जाए और अच्छा होके जाए। मैं यही डॉक्टर लोग से अनुरोध करता हूँ कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बालको मेडिकल सेंटर, और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ लोग बहुत केयरफुल है। मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूँ।